अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज चौथी अफ्तारी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह सब लोग कर रहे होंगे। और आज हमारे घर में है अफ्तारी, वो भी छोटी सिस्टर उसकी जो यूनिवर्सिटी की दोस्त है वो आ रही है, उनकी अम्मी आ रही है, उनकी फैमिली आ रही है, और साथ साथ मेरा एक प्यारा सा भाई नुमान और उसकी बीवी आ रही है। अभी तक तो नहीं आए, हालांकि 4:30 हो चुके हैं, लेकिन ये कि नुमान और उसमें जल्दी आ रहा था तो वो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी लोग अफ्तारी के वक्त पहुँच जाएंगे। यहाँ पर किचन में हो रहा है काम, और ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, ये घुस 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 के हर जगह ऐसी सफाई करता है जैसे ये जैसे ना गंदगी देख के लोग पागल हो जाते हैं, तो ये गंदगी देख के पागल हो जाता है। ये एक चीज़ को इसी तरह निकालता है, नीचे नीचे से यूं 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 करता है, और वो पीछे मासी मुसीबतें हैं हमारी, और इनका नाम अमरीन बाजी है, और ये हमारी बहुत प्यारी सी शेफ है, और ये अम्मी आ गई है। अम्मी का यूनिफॉर्म तो चेक करें, अम्मी आपको यूनिफॉर्म दिखा नहीं सकती, अम्मी ने आगे जो पोजिंग मारी मैंने कैमरा हटा लिया। अच्छा वो क्या कह रही थी? क्योंकि मैंने कहा अम्मी रोज है, भाई रोज है। अच्छा ये बताना चाहती थी, इंट्रोडक्शन करा रही थी, ये जो मोहतरमा है बहुत बड़े बड़े घरों में जाके माशाल्लाह खाना पकाती हैं, जिस वजह सारे फेरिस इस वक्त नादिया खान सारे फेरिस हैं जो भी हमारे इलाके में रहती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और घर हैं जहाँ ये जाती हैं, और ये हमारे घर में भी आती हैं। और आज ये बना रही है बिरयानी का कौरमा बना रही है, और बिरयानी का मसाला इन्होंने कल बना लिया, तो आज बिरयानी भी बनेगी। और अम्मी ने ऑलमोस्ट बहुत सारा काम है वो पहले कर लिया। रात को अम्मी ने क्या क्या बनाया? अम्मी रात को क्या क्या बनाया? आवाज सुने दिखा नहीं सकती, छोले बनाए, खीर बनाई है, वो गाजर की और चावलों की मिक्स खीर बनाई है। और अभी भी अम्मी जो कर रही है सफाइयां कर रही है, लगी पड़ी है सफाइयां करने, क्योंकि अंदर का किचन यूज नहीं होता, तो ये जो सफाई कर रही है, हालांकि तबीयत बहुत खराब है इनकी, और इस वक्त किचन की ऐसी सफाई की जा रही है। जबार भाई को कहाँ भेजा है? जबार भाई को कहीं बाहर भेजा है कुछ लेने के लिए, और वैसे तो अम्मी सब कुछ बना चुकी है, वो भी बाहर की सफाई कर रहा है। दिखाती हूँ ये लाल मिर्च है, किसी को अगर लगानी हो तो बता दीजिएगा, लेकिन ये वाली लाल मिर्च है जो लगती नहीं है, जिससे चटनी बनती है, और ये बहुत अच्छी चटनी बनती है। और चटनी के लिए बाजी ने इसकी इमली तैयार कर ली, और इसके साथ चटनी अभी तैयार करेंगी, और इनकी स्पेशल रेसिपी है ये, देखें इमली के साथ ही बनाती है, और इतने मज़े की ये बनती है, हाय हाय हाय। वैसे तो आप ये रोजे के बाद ही व्लॉग देखेंगे, क्योंकि व्लॉग पूरा नहीं होगा जब तक मेहमान नहीं आएंगे, लेकिन जब देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आएगा। इस वक्त प्याज ब्राउन की जा रही है, क्या बना रही है? कोरमा बना रही है, और क्या बनाया है? और क्या? अच्छा आप और जब डालूंगी बिरयानी बनाऊंगी, पकौड़े भी बनाएगी साथ। लेकिन इन्होंने पकौड़े बनाने से मना कर दिया, तो कहते बाजी बनाएगी, कल बाजी ने अच्छे बनाए थे, लेकिन अभी इनको अम्मी कह रही मसाला मैंने बनाया, ये चम्मच हिलाएंगी चम्मच, लेकिन ये बिरयानी और कौरमा जब बनाएंगी साथ के साथ थोड़ी सी वीडियो को भी दिखा दूंगी, इनके हाथ में जायका है, पर कभी 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 ये डंडी मार जाती है, कभी कभी खाना हो जाता है बुरा, लेकिन उनके हाथ में बहुत जायका है। और सफाई पसंद तो ये इतनी है हम लोग हर वक्त इनके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, अमीन बाजी इतनी सफाई ना करे हम लोग मर जाएंगे, हमें तो साफ सुथरा खाने की आदत नहीं है। तो बस शर्मिता ये हो गई तो समझ जाए, हर चीज को खुला छोड़ जाती है, तो अम्मी आगे ढकती है, कहती है अम्मी कहती है उषमा इसको समझाओ, उषमा इसको समझाओ। तो डालती नहीं है, मैंने आपके नाम से निकाला था, ताहिर कहाँ आया ही नहीं। अच्छा देखिए मेरे नाम से मैंने वो मेरा व्लॉग ढूंढा, इनको मिला नहीं, मैं आपको ढूंढ के निकाल के फिर बताऊंगी। ये रात को मोबाइल में छोड़ दीजिएगा। हाँ मैं इनके मोबाइल में ना वायरस की तरह छोड़ दूंगी, फिर देख लेगी। ठीक है मैं आपको अभी सेव करा दूंगी। खैर इस तरह की खाना बहुत अच्छा बनाती है, बस थोड़ा सा ये कहते ना लापरवाह ये है कि ढकती नहीं है चीजों को, जिसकी वजह से अम्मी को होता है हर चीज खुली छोड़ जाती है, समझती है पाकिस्तान में हर चीज खुली है तो खाना खुला छोड़ जाओ। खैर कोई बात नहीं, इनको कल आखिरी वार्निंग मिल गई है, और इसमें कितना शर्मा रही है ये, जैसे अल्लाह अकबर। लेकिन इनकी तस्वीरें मैंने कल देखी, बड़ा प्यारी लगती, त्याशियार हो गए ये, अभी भी माशाल्लाह स्वीट 16 की ही लगती है ना मेकअप करके। चलिए खाना पर आती, बातें दिखाती हूँ, अम्मी यहाँ पे लगी पड़ी है अपनी सफाई करने, और मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दूँ। कोई कुछ नहीं, लेकिन उज़्मा बहुत अच्छी बच्ची है, ये बहुत प्यार करती है हमारी, मैं इनको अम्मी से बचा
क्योंकि अम्मी अम्मी के साथ ही अड्डा लगाते हैं, बहुत प्यार से बातें करती है अच्छा। और हम लोग को बड़ा ख्याल रखती है और अपने साथ बिठा के खिलाती है, कभी कभी निवाले भी खिलाती है। ये ना अम्मी का जो आपस से बड़ा लाकड़ा चलता रहता है, तो मैं बीच में आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी बाजी आपकी वजह से अम्मी को ना अम्मी आपको भी देंगी इतना बड़ा और मुझे भी देंगी। लेकिन खैर ये मोहब्बतें चलती रहेंगी और लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, जहाँ काम अच्छा ना हो तो चीजें चलती रहती हैं। खैर यहाँ से ये अमरीन बाजी थी जिनके मैंने आपको दिखाया, खाना बहुत अच्छा बनाती है लेकिन कहते हैं ना हाय इतना परवाह, चीजें खुली छोड़ देती हैं, केयर नहीं करती है। हमारे घर में होता है कि हमारे घर में सफाई का एक एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। मेरी अम्मी इतनी वहमी है, मेरा सुबह से चप्पल पड़ी हुई थी, अम्मी ने 100 दफ़ा बोला उस माँ चप्पल उठा लो चप्पल उठा लो, मतलब कोई भी चीज़ इधर से उधर अम्मी को पसंद नहीं है। मैं घर में सबसे ज़्यादा गंदी हूँ, मतलब मैं चीज़ें केयर नहीं करती फैला देती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मेरी बहन वॉशरूम भी इसका ऐसा है छोटी का कि उसके वॉशरूम में जाओ तो कोई चीज़ फैली भी नहीं है, लगता है इसे ध्यान नया बनाओ। तो सब बहुत अच्छे हैं, बस मेरे अंदर ही फसला है। खैर मेरा फ़ोन बज रहा है कि जब्बार भाई यहाँ बैठे हुए, जब्बार भाई आप तो कुछ काम करने के लिए आए थे। काम तो पे कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोफों की मिट्टी हटाई है, इस तरह की मोबाइल की मिट्टी हटा रहे हैं और किसी को सर्च कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? टिकटॉक। अच्छा जी टिकटॉक देख रहे हैं। और आज बहुत शदीद गर्मी है और जब्बार भाई फिर गर्मी में धूप में बाहर बैठे हुए हैं, और हमारी जो लॉन है ना वो भी ख़राब हुई है, घास हमने लगवाई थी लेकिन कह रहे हैं जी 1-2 महीने लगेंगे इस नई घास को आने में, क्योंकि नई घास आने में टाइम लगेगा, लेकिन एक ये महीना पत्ते झड़ने का है तो पत्ते सारे झड़ जाएंगे तो फिर दोबारा से जब नए आएंगे तो ही सही होंगे। खैर अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और अगर मुझे रोज़ा लग गया वक्त से पहले तो मुश्किल हो जाएगी। अंदर चलते हैं, मेरा फ़ोन भी बच रहा था और बड़े मज़े की इस वक्त सूरज की लाइट पड़ रही है और उस पर कहते हैं मज़े मज़े का लगता है। ये देखें ओरिजिनल स्क्रीन, नो फिल्टर, नो मेकअप, ग्लॉस लगाया लेकिन नथिंग बेस वेस, तो अच्छा लगता है आप जितना सादे होते हैं आप ज़्यादा अच्छे लगते हो यार, कहते हैं ना शादी में भी एक निखार है। अंदर चलते हैं और जब चीज़ें बन जाएंगी तो साथ साथ कंटिन्यू करूँगी, अभी किचन विचन सब फैला हुआ है और बाकी की बातें आपसे बाद में करते हैं। और परेशानी में हम लोग 16,000 किराया दे, मेंटेनेंस 2,500 दे, बाल काले रहेंगे सारी जिंदगी। मेरी अम्मी के जाके देखे बुड्ढी हो गई है, दो तीन मेरी अम्मी को जाके देखे, बेटियों के बच्चे हो, मैं माना तुम बंगाली हो पर बाजी मेरी अम्मी को जाके देखे, मैं मेरी अम्मी की बेटी हूँ, मेरी अम्मी माशाल्लाह से बाल इतने काले हैं मेरे अम्मी के, तो मैं उनकी बेटी हूँ। हम लोग मछली खाने वाले बंगाली, हम लोग मास्ता सही रहती है, एक बाल काले हमारे बाल, और मेरी अम्मी को देखे यहाँ से अब ये व्हाइट वाला सेट निकालने लगे, और वो देख भाई वो रखो ये रखेंगे ना पूरा अफ्तारी के लिए, ये पूरा सेट अम्मी ने कहा कि इसको निकाल लो क्योंकि आप यूज़ के लिए ये ठीक है, ठीक है हाँ ठीक है। और इस वक्त नुमान भाई भी आ चुके हैं और उनकी मिसेस भी आ चुकी है और ये वही दो रात हमारा घूम रहा है और हमारी चटनी कुछ हद तक लगता है बन गई है, कुछ बन गई है हाँ कुछ, इसमें लाल मिर्च दूसरी भी डालना तेज वाली भी थोड़ी, हाँ पूरी बनी हुई थी पहले ये। मोबाइल में तो छोड़ो कुछ ना कुछ, अरे आपके मोबाइल में क्या छोड़े बताएं, वायरस छोड़ दे, ये छोड़ना ये वायरस छोड़, तस्वीरें बनाती है वो छोड़े ना, अच्छा वायरस छोड़ देना चाहिए इनके मोबाइल में, इन्होंने कहा मेरे मोबाइल में वायरस छोड़ दो, बीमारी की वायरस नहीं बीमारी की करोड़ों वायरस, करोड़ों वायरस नहीं वायरस छोड़ देना चाहिए, करोड़ों पैसे छोड़ दीजिए, आई मीन पैसा ही तो सारा मसला है, पैसे ही का तो रोला है सारा रोला, देखिए पैसा, हमने पैसा करती है क्यों पैसे पे तो बढ़ती है। अच्छा हमने सिलेंडर रखा हुआ है अलग से क्योंकि गैस जब नहीं होती है तो बाहर सिलेंडर तो यूज होता है, और ये हमारा डटी किचन है जिसमें इस वक्त डटी आप ही खाना पका रही है, ये बना रही है कौरमा चिकन कौरमा, ये आज का व्लॉग स्पेशल अमरीन आपी का व्लॉग है, आज का व्लॉग सिर्फ अमरीन आपी का है, और ये देखे जरा वही पूरा कि पापे तो चेक कितना क्यूट लगता है ट्राउजर में, खैर चलिए बाहर चलते हैं। और इस वक्त जो है ना वो आ चुकी है जैनब, आप देखिए जैनब कौन है जी, जैनब है नुमान की बीवी, मेरा बहुत प्यारा भाई, जब मैं प्रोग्राम करती थी वर्दा फाश उस ज़माने से बहुत, उस वक्त से मेरा इनसे बहुत वाला रिश्ता था, कैसे सगा भाई, और उसके पास की शादी हुई उसका बेबी हुआ तो अब तक रिश्ते वैसे ही हैं, बड़ा प्यारा भाई वो भाई है, बोलता नहीं जमान नहीं खिलाता चुप रहता है लेकिन है बड़ा सख्त पठान है, कूट के भी आया था मेरी वजह से किसी को, खैर चलने यहाँ से चलते हैं। और ये देखें
ये बैठे हुए, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अंदर बैठे हुए, अंधे की प्राइवेसी हो जाएगी खराब। अच्छा ये रहा यार, ये रही मैं, ये रही, ये रही, ये रही। चलो यहाँ तो वैसे भी अंधेरा है, तो ये मुझे, मैंने ये यूँ करके देखा, अच्छा यूँ करके देखा, ये रही मैं, ये रही मैं। और कपड़े मैं चेंज करूँगी, मैंने कपड़े रख दिए, आई थिंक मैं अभी येलो कलर पहनूँगी, आई लव येलो कलर। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर मेरी पिक्चर्स, कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं, हमारी मेमोरीज हैं। और ये मेरी नानो मम्मा हैं, और ये मेरी बहुत यादगार तस्वीर है, जब मैंने अवार्ड लिए थे 2018 में, पानी के अंदर गई थी और ये हेलीकॉप्टर उड़ाया था। तो ये तमाम चीज़ें, खैर चले, खाना भी बन रहा है, अभी खाने में टाइम है, सब चीज़ें हमने बना चुकी है। तो इस वजह से जब सब कुछ बन चुका है, जब तक तैयार हो जाएगा, तो कहेंगे आप भी ने कहा कि जी मेरी चीज़ें भी बना दें, बाकी की बात ज़रा बातें करते हैं, किचन से खाला हुआ है, और जब चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो दोबारा सिर्फ ऐड कर दें। खाली चटनियाँ ही लेके जा रहा है, लग रहा है अफ्तारी यार सिर्फ चटनी की हम लोगों ने करनी है, टमाटर की चटनी, केचप, खजूरें। चलो चलो शाबाश लेके चलो, टाइम का हमें मुकाबला सकते हैं। ये बहुत प्यारी पिक्चर हमारे जानने वाले अल्लाह पाक को, बस आगे नहीं बोलूंगी। और ये रही हमारी भाभी, वैसे तो भाभी कहते हैं रिश्ता भाभी का है, लेकिन हमसे छोटी है तो हमारी बहनों की तरह भी है। और ये रही मैं, ये रही ज़ैनब, वो नाम हम लेना नहीं चाहते। ये मेरोमान की बीवी है, मेरा प्यारा सा क्यूट सा भाई जिसके मुंह में जबान ही नहीं है, अल्लाह ताला ने जबान में दो जबाने कह रही है, बीवी के मुंह में दो जबान है, उसके तुम्हारी जबान उसके मुंह में आ गई ना बेटा, इसकी और उसकी लव मैरिज है। और ये तो बहुत छोटे छोटे थे तो उनको प्यार हो गया था, फिर उन्होंने शादी कर ली, फिर एक अदर क्यूट सा कुकू भी है जो लेकर मनहूस मारी नहीं आई अभी, तो इसकी शुगर और मेरी शुगर जो हम लोगों ने एक साथ चेक की थी, वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई, वो डालूंगी मैं कहीं, इतने मजे की वीडियो थी वो अभी तक, हाँ मैंने देखी भी है। तो खैर जल्दी जल्दी काम करते हैं क्योंकि आने वाले हैं लोग, लोग तो कर देंगे, कागो की फैन दोस्त है, उसकी अम्मी है, भाई है, तो यहाँ पे जरा जल्दी जल्दी लगा रहा है और हम जरा बाहर चलते हैं। नुमान भाई नज़र नहीं आ रहे, लगता है नमाज पढ़े चले गए मस्जिद। बहुत इंसान को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, जैसे मैं। ये आपी का कोलमा तो हो गया है तैयार, और साथ साथ रोटी इनकी बेली जा रही है, इन्होंने छती छती रोटियाँ बनानी है। और ये देखो जरा, ये शरबत की तैयारी है, शरबत बना रहे, लाल शरबत, मीठा शरबत। वो मलाई भाई है, इनका रोजा भाई का देर से खुलता है, मलाई भाई मलाई भाई नहीं बुलाई भाई। और ये देखे रोटी बना रही है, रोटी ये देखे क्या मजे से रोटी बन रही है, वाह वाह वाह। नहीं बिरयानी बाद में बनाएगी क्योंकि पहले अफ्तारी का सवार है। ये लाल शरबत जब तक ये भी लगे पड़े हैं, बस कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ओहो डब्बे साफ करके रख रहे हैं, काम करो और साफ करके साथ के साथ समेट दो। ये किस लिए, जूस के लिए, जूस के लिए। मम्मी आ गई चेंज करके, मैं भी अब चेंज करूँगी 6 बजे पूरे। जी मम्मी ने तो ये बना के रख दिया था, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डालेगा मसाला, गर्म दही मिर्च मसाला और नमक। प्यारे हाथों से खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो अपने आप को समझ लिए, तेरी अभी शादी हुई है ना, तो छतिकर छतिकर दाल बिस्मिल्लाह, सातवें की खीर है, हाँ डाल 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 बताएंगे। हर दफ़ा कुछ ना कुछ लेके आ जाती है, बस 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 बस, हाँ बाकी जैसे डाल लो, डाला और डालो और डालो और डाल और डाल डाल दे, नमक नहीं डालना बिल्कुल भी, बस कम डालो, बस 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 चल। ये चाट मसाला यार नहीं बड़े, नमक सही लगाती है, नमक मिर्च सही लगाती है, सही लगाती होगी नुमान को नमक मिर्च, अब पता चला। तो ये यूँ 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 कर रही है ना, दो जमाने वाली औरत, दो तरीका भी है। चल शाबाश हो गई है, ये तैयार, हाँ तैयार है। बाउल में डाल डाल के देखते हैं, ये हमने डाल दिया, कम है कम है, पहले इसको निकाल ले खाली, डाल रहे हैं वैसे हमारा निकालते हैं, लेकिन इस वक्त हल्का निकाल रहे हैं।
बहुत मुश्किल से ये दोनों पकड़े गए हैं। ये है नुमान भाई, ये है नुमान भाई, सिंधी माड़ू। शक्ल तो आपको याद होगी, बहुत साल पहले आप इनको देखते थे जब ये चूचे होते थे। खैर अभी भी चूचे ही है। अब इसमें डाल गए हैं ये समोसियाँ, समोसे नहीं होंगे क्योंकि छोटी छोटी तो ये समोसे ही हुई हैं। खैर अभी अमीन बाजी का काम ख़त्म नहीं हुआ, थोड़े 15 रोटी हो गई, अभी रोटी को डालनी है जी। अम्मी आई, ये समोसियाँ तो हो गई, समोसे और रोल अभी बन रहे हैं, समोसियाँ हो गई हैं। ये पकौड़ों का मसाला भी तैयार है, साथ के साथ पकौड़े रह गएंगे, साथ में शरबत भी निकाले जा रहे हैं। हाँ पकौड़े बन रहे हैं, बस रोल वोल हो जाएंगे, इसके बाद करेंगे। ये देखो छती छती सारा काम, क्योंकि टाइम कम है, और इसके बाद आप पकौड़े रह गएंगे। जल्दी जल्दी अपनी कमाल सफाई कर रही है, क्योंकि सफाई में थोड़ा सा ही है। यहाँ पे भी सब लगे हुए हैं, सब सब सब। अब मैं आपको दिखाते हूँ अंदर के, कुछ करने जाऊँगी क्योंकि टाइम आई थिंक थोड़ा सा रह गया है। और यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा खाना है आज, क्योंकि बिरयानी और कोरमा ये सब चीज़ें बनी है, क्योंकि खाना है प्रॉपर है, लेकिन बहुत मज़े की है इस वक्त। चना चाट नहीं, दही बड़े, चना चाट, और उसके बाद गाजर का हलवा भी बना है साथ साथ, पकोड़े 3-4 तरह के बने, रोल बने, समोसे बने, तो वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी, तो ये पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। और ऑलमोस्ट मेहमान भी रस्ते में, काकू की जो फैमिली है, दोस्त जो आ रही है, उसकी अम्मी, तो इसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें बस थोड़ी देर बाद। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, हर चेंज क्या करना, मैं तो सुस्ती हो रहा हूँ, तो मुझे नहीं होता कि चेंज करो घर में, तो आप एडजस्ट हैं वैसे ही रहे, लेकिन फिर भी चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं, और बाकी जब दस्तखान सज जाएगा फिर दिखाते हैं आपको। अरे जी बन गए समोसे, येलो येलो मुझे पसंद है कलर। आंटी से तो मिल लूँ, जाए 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 हमारे मेहमान, ये टोपिया पहन के बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो सारा साल टोपी नहीं पहनते, पर अभी पहनी हुई है। ये एक मजाक था, मजाक पे हमने वीडियो बना लिया, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा। आते काम कराना शुरू कर दिया ये मेहमानों से। मेहमान तो नहीं हो खैर, लेकिन पहली अफ्तारी तुम लोगों की है, पता है? यस, अब अगले हफ्ते आप लोगों के, हमारे नहीं, हमारे घर में पहली अफ्तारी तुम लोगों की हो रही है। और अम्मी ने बिरयानी आएंगे इंशाल्लाह, बिरयानी कोरमा खीर पता नहीं क्या क्या बनाया है। मैं कहा चल, इसलिए हम लोगों ने अफ्तारी कम की है। सही है, अच्छा, हमारे लिए ऐसा होता है कि हम लोग खाना अफ्तारी सब एक साथ, अच्छा हम लोग खाना नहीं खाते, या अगर हम अफ्तारी करेंगे तो हम खाना फिर वो सहरी में खाएंगे, और अभी हम लोग ना अफ्तारी इतनी कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी अफ्तारी करके ना हम फिर 12-1 बजे थोड़ा सा खाना थोड़ा बहुत खा लिया, अदरवाइज हम 3 बजे सहरी करते हैं। हमारे घर ऐसा होता है अफ्तारी खाना, अच्छा खाने बनता है। मेरे भी दोस्तों से जब भी पूछूं तो वो यही कहते हैं, हम लोग तो रोटी खाते ही नहीं अफ्तारी, नहीं खाते, हम भी नहीं खाते क्योंकि पेट ही भर जाता है इससे। हम लोग सिर्फ खाते हैं, कम भाई है। चलो जी तैयारी, ओए होए कैंडल भी जलाई जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। ये चलो तुम पकड़ लो, उसको दे दो, उसको दे दो, जैनब को दे देते हैं इस वक्त, वो भी हमारे घर का ही फंड है। हाँ इस वक्त कैंडल चलाई जा रही है, कैंडल डिनर तो नहीं है पर कैंडल अफ्तार ज़रूर हो रही है। और बच्चे का नाम भूल गई मैं, उज़ैफा था, उज़ैफा, हाँ उज़ैफा, जो उज़ैफा है बहुत बुरा बीमार हुआ था क्योंकि बाहर का खाना बहुत खाता था, तो ये आप लोगों के लिए भी जंक फूड बाहर के कम खाने, और ये इस वक्त जो इतना स्मार्ट नज़र आ रहा है, डाइटिंग नहीं की इसने, ये बीमारी से वीक हुआ है, और खाना बिल्कुल नहीं खाता, घर का खाना नहीं खाता ये। अब तो खाते हो ना घर का खाना? अब तो मजबूरी है क्योंकि इसे बहुत टफ टाइम देखा है, ये बहुत बीमार रहा था और बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था। खैर क्योंकि इकलौता भाई, जैसे हमारे घर में इकलौता भाई और बहनों की माँ की जान फंसी, सही बात है, सही बात है। चले जी सेटल हो गया है, अब चलते ही दे दो मोबाइल हमें, कि मैंने जरा ज़ैनब को दे दिया था, मैं कहा ज़ैनब तुम फिर से एक वीडियो बना दो, और ये भी जरा अपनी वीडियो बना लो, बना लो ज़ैनब तुम भी बना लो। और ये रही मैं जो हमने चलो जो चेंज कर लिया, ठीक है, ओह हो ओह हो, नानी से मिलाए मिलने जा रहा है, गिली डंडा लग रहे हो तुम लोग तो,
गुली डंडा नहीं होता लंबा छोटा, ये डंडा ये गुली नानी खुश हो रही है भाई, नानी को नानी को नानी की सीट वैसे हमने अंदर बनाई हुई है ताकि नानी आसानी से खा सके। नानी आप अपनी जगह पे जा सकती हैं अंदर, और पीछे अम्मी भी सेटिंग करने पे लगी हुई है। ये देखें दोनों बैठे हैं, देख रहे हैं नानी को बिठाया जाए इनकी जगह पे। और मैं कहाँ हूँ, मैं रही ये रही मैं। चलो जी ये आंटी जी, ये आंटी जी का कद देखे माशाल्लाह, ऐसा कद हो तो हील पहनने की जरूरत ही नहीं है बंदे को, हम क्यों छोटे छोटे रह गए। अंदर नहीं जाएंगे, यहीं पे खत्म करते हैं, खैर अफ्तारी का वक्त बहुत कम रह गया है, छोटे छोटे से लम्हात आज हम जल्दी से आ जाओ अफ्तारी के। हम दोनों कितने अच्छे लग रहे चले। मैं अब जरा बातें सुबह में अरे जो माए होती ना वो जो माए होती ना वो कुछ ना कुछ बच्चों को आखिरी टाइम तक बोलती रहती है, क्योंकि अगर वो बोले नहीं तो माला हो हमें रोज डांट पड़ती है रात को, जब माँ तरावी पे जा रही होती है और नहीं आते। चलो ये भी कहते ना चीजें जो हिस्सा है हमारे कल्चर का खूबसूरत हर जगह वो खत्म करते आंटी। वही बात है ना, माँ बाप के लिए तो हमेशा ये होता है कि अल्लाह पाक उनको जिंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, उनको जो भी जितना भी वक्त है सेहत के साथ अच्छा वक्त है, उनकी जिंदगी जो आगे की है उसमें आसानी पैदा करे और उनका साया हम पे सलामत रखे और वो अपने फराइज अंजाम देख कर जाए, मतलब वो अपने बच्चों की खुशियाँ देख कर जाए। इससे ज़्यादा तो खूबसूरत दुआ हो ही नहीं सकती कि उनको सेहत मिले और वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। के बाद हम सब लोगों ने फोटो शूट कराया पहले हमने दुआएं मांगी माँ बाप के लिए सेहत के लिए तंदुरुस्ती के लिए, फिर हमने कहा नहीं यार तस्वीर बनाना भी जरूरी है आप दोनों के लिए। बादशाह हो गई है और बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है, जैनब भी दुआ मांग रही है, आंटी ने मांग ली है, आंटी ने हमें जो हदायत देनी थी वो भी दे दी है और फोटो शूट भी हो चुका है यहाँ पे हमारा। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हनुमान भाई नानी बाकी के लोग बाहर बैठे हैं दूसरे किचन में और रोजे का बहुत ही थोड़ा सा टाइम रह गया है, अगर यहाँ इस चीज़ को ख़त्म करते हैं खाना लगेगा थोड़ी देर बाद एक घंटे बाद। और ये यहाँ से अफ्तारी चौथी अफ्तारी हम करेंगे, पाँचवें रोजे की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह चार रोजे गुजर के पता नहीं चल रहा किस तरह से वक्त गुजर रहा है, सीरियसली सारी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, यहाँ के पता चलता है कि वक्त किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, जो वक्त है वो बस जो है वो अच्छा हो। अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे, कि जो दस्तरखान है सबके घर में ऐसे ही सजे, ऐसी रोज़ी सबको मिलती रहे और हर बंदा इस वक्त इंजॉय कर रहा हो खा रहा हो, किसी के घर में ये ना हो कि वो लोग अफोर्ड ना कर सकें। अल्लाह पाक कभी भी रिस्क की तंगी किसी को भी ना दे। सर इसी के साथ यहाँ से ख़त्म करूँगी इस बात को और यहाँ से बस अभी होंगी सारी चीज़ें और हम चलते हैं अफ्तारी की तरफ। आपने ढूंढ लिया टाइम? हाँ हाँ हो गया, हो गया। आपने बताया नहीं? बताया उनको मैं बाहर बोल के, आवाज ये मेरी बहू है उनकी बात है। कितनी जबरदस्त अफ्तारी जो बाहर हुई थी मुझे भी थी। हाँ वो इंशाल्लाह ईद में पार्टी करेंगे हम लोग, ऐसे सबको बुलाएंगे। है काकू 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 ईद में पार्टी करेंगे, सबको बुलाएंगे। जिस पिछले साल की थी ना यहाँ पर बैठ के फन किया था, अफ्तारी थी क्या की थी वो ऐसे जिसमें इकरा भी थी। मैंने सोचा शैतान खुल गए, ये दोनों शैतान खुल गए। अब भी जोर से देख रही हो गुस्से से मुझे। चलो यहाँ से मैं अब करती हूँ, यहाँ से खाना खाएंगे क्योंकि हो गया हमारी अफ्तारी खुल गई है और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मजा आया। यहाँ पे बहस चल रही है शादी के उस दिन। मामा जी बोलिए अगर पंजाब में हुई तो मानूर लोग तो हमारे साथ हैं। ओके चलो।
ज्यादा सवाब होगा, ज्यादा सवाब होगा। अभी बोला अभी है क्या, आप नहीं कर सकते, आपका थूक ही निकल सकता है, कुछ तो और आपने बुलाया ली तुम्हारे बच्चों की परवरिश के। सब तो जैफो को मिलेगा, पहले को कुछ भी नहीं मिलेगा। बेशक लेकिन ऐसा करें क्यों, जब पता है कि हम जो गलत है वो गलत है। ये देखिए उल्मा छोटी बोली, ये अपना रास्ता साफ तो नहीं कर रही। अगर मैं बाहर चली जाऊं और वहां कोई मिल जाए और मैं मुसलमान कर लूं, ये अपना रास्ता पहले से दिमाग बना दूं। मेरे बेचारे चने किसने खिलाते बेचारे, मैंने अभी भी आंटी खाई, मैंने आपकी फ्रूट चाट भी खाई है, आपके चने भी खाए हैं, सारे पकौड़े वगैरह सब। मेरे फेवरेट चने नहीं बनवाती वो वाले काठे वाली, आंटी वो हमारी भाभी बनाती हैं। परसों हमारे घर में भाभी की अफ्तारी, अनवी भाई की फैमिली की अफ्तारी परसों, और यहाँ से पहले अफ्तारी खत्म होती है। सही हो तुम्हारी हो, ये चाहिए, अब सॉरी क्या कह रही हो, तनवीर भाई के लिए गेट इसने खोला था, तनवीर भाई के लिए गेट मैंने खोला था पिछले साल। हाँ पिछले साल वो आया और यहाँ बैठ गए थे तो बात कर रहे थे। हाँ और इस साल वो नहीं है, दो दिन बाद इनके इंतकाल, और बहुत अच्छी आदत के थे। मैंने कहा बुलाती बोल ही नहीं सकते ना, मैंने कहा मैं बुलाती हूँ भाई को, कहते नहीं नहीं वो खुद आ जाएगा। अभी बहुत बहुत अच्छे घंटे को नहीं भूल सकते, वो इतने प्यारे इंसान, इतने प्यारे इंसान कोई याद नहीं। मैंने आई थिंक आपके उस पे देखा था उनके साथ, हम इतनी मैं उनके साथ इतनी कार्टून वाली वीडियो बनाती थी तरह तरह की, कभी उनके सींग निकाल देती थी, कभी उनको टोपी पहना देती थी, खुश होता था जब ये इज्जत करते थे ना, क्या बात है नाराज हो, आज मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, मजा नहीं आया। और वो बेइज्जती का आके खुश होते थे, वो पहला इंसान था सगे भाइयों से भी ज्यादा, बहुत अच्छा था। एक ही वो फर्स्ट टाइम मिली थी, मैं वो चार छह घंटे में चला गया। क्यों तो हमारे हेरिटेज में आते थे आप, क्यों नहीं आए जी, यहाँ से खत्म करते हैं, तभी भाई तैयार हो गए हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपको किसी और दिन, दुआ में याद रखिएगा। मर भी गया चार छह घंटे में, तो यकीन नहीं आया, मैंने कहा उसमें अगर और ये बड़ा प्यारा लग रहा है, चेक अंदर किया ही, अंदर में तो मैंने कहा चेक करूं, मैं बड़ा घूमी और फिर मुझे एक शॉप पे मिला ये ऐसा, वरना तो बहुत उधर वैरायटी बहुत ज्यादा है, महंगे महंगे भी ले, बहुत मेहमान औरतें लाखों के बुरखे भी पहनती हैं जिसपे सिर्फ नगों पे काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है मेरी।